हे hey, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ओशन ऑफ टेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोगों को फिर से ऐसे 10 एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका साइज 1 MB के अंदर आता है। जी हाँ दोस्तों, इससे भी पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने टॉप 5 एप्लीकेशन के बारे में बताया। सो गाइज, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। और गाइज, अगर आप 10 और एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं जिनका साइज 1 MB के अंदर आता है, सो गाइज हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे पहले एप्लीकेशन का नाम है बार लॉन्चर। चलिए गाइज, ये एप्लीकेशन मेरे उन दोस्तों के लिए जो अपने फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल्ड रखते हैं और जिन्हें एप्लीकेशन ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सो गाइज, यहाँ से जो आप करके आ सकते हैं, यहाँ पे नो एप्लीकेशन को जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन बार में। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारे एप्लीकेशन जो मैंने सेट कर रखा है जो कि जनरली आप यूज़ करते हैं। सो गाइज, आप जैसे नोटिफिकेशन नीचे करेंगे तो आपको वो 9 एप्लीकेशन जो मिल जाएंगे जिससे कि आप इजीली अपने अकॉर्डिंग कभी भी ओपन कर पाएंगे। और भी यहाँ पे आपको एरो कलर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो गाइज, 1 MB के अंदर ये एप्लीकेशन भी कमाल की है। अगर अगले एप्लीकेशन की बात करें तो उसका नाम है कैलकुलेटर। सो गाइज, आप इसका इंटरफेस देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो बेसिक सा एक कैलकुलेटर है जो कि हमें डिफॉल्ट मिलता है तो हम बाहर से डाउनलोड क्यों करें। सो गाइज, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको इसकी खासियत क्या है। दोस्तों, यहाँ पे तो एक्चुअली ये बेसिक सा कैलकुलेटर है, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है जो आपके डिफॉल्ट कैलकुलेटर में मिल जाती है। बट गाइज, यहाँ पे जो ऊपर 3 डॉट आपको दिख रहा है उस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इस कैलकुलेटर के अंदर हिस्ट्री दिख जाएगी। जो आपने एक दिन पहले, 2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले भी कैलकुलेशन की, वो सारी हिस्ट्री आपको यहाँ से दिख जाएगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपने कहीं कैलकुलेट करने में कोई करेक्शन तो नहीं किया। सो गाइज, कुछ इस प्रकार की एप्लीकेशन जो कि कमाल की है। सो गाइज, अगर अगले एप्लीकेशन की बात करें तो इसका नाम है स्मॉल लॉन्चर। सो गाइज, ये लॉन्चर भी जो है 1 MB के अंदर आता है। और गाइज, यहाँ पे ये एप्लीकेशन करता क्या है गाइज, आपके फ़ोन में अगर बहुत सारे एप्लीकेशन है तो उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर देता है, उन्हें जो है फोल्डर्स में डाल देता है। जैसे कि आप देख लीजिए, अदर्स फोल्डर, सिस्टम फोल्डर, ट्रैवल फोल्डर और जो है इन्फॉर्मेशन फोल्डर टाइप के जो फोल्डर बनाया था उसमें ये एप्लीकेशन को जो है इन्वॉल्व कर देता है, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके जो है डाल देता है। और गाइज, इसमें मिल जाता है आपको एक कमाल का बूस्टर जो कि आपके रैम को फ्री करता है, मीन्स ऑप्टिमाइज करता है। और गाइज, यहाँ पे अगर सेटिंग्स की बात करें तो बेसिक से सारी सेटिंग्स है जो कि आपके बैटरी को सेव करती है। और फिर इसमें आपको बहुत सारे 2-3 गेस्चर भी मिल जाते हैं, लाइक स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, डबल टैप वाला। सो गाइज, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको गेस्चर भी यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैं स्लाइड डाउन करूँगा तो आपको यहाँ पे सर्च बार मिल जाएगा जिससे कि आप किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। स्लाइड अप करेंगे तो गाइज आपको यहाँ पे कुछ विजेट या फिर वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो गाइज, 1 MB के अंदर का ये लॉन्चर जो है बहुत ही कमाल का है। सो गाइज, बात करेंगे अगले एप्लीकेशन का तो उसका नाम है जे टच। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा इस एप्लीकेशन के अंदर। और गाइज, यहाँ पे आप जो टच को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, छोटा बड़ा ऊपर नीचे जैसा भी आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। और फिर गाइज, यहाँ पे जो है आप यहाँ पे इसको, इसके अंदर बहुत सारे आपको फंक्शंस मिल जाते हैं, लाइक सिंगल टैप पे आपको क्या एप्लीकेशन खोलना है, डबल टैप पे क्या खोलना है, लॉन्ग प्रेस पे क्या खोलना है, स्वाइप अप पे क्या खोलना है, स्वाइप डाउन पे क्या खोलना है। सो गाइज, ये सारी चीज़ जो है आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और गाइज, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखा देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे जो है आइकन जो है उसे आप, मैंने बिल्कुल ही फेड कर रखा है जिसकी वजह से वो आपको दिख नहीं रहा होगा। बट गाइज, यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर स्लाइड अप करते हैं तो बैक, पहले जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे वो खुल जाएगा, स्लाइड डाउन करते हैं वहाँ पे तो नोटिफिकेशन टॉगल हो जाएगा, डबल टैप करते हैं तो रिसेंट टैप खुल जाएगा, स्लाइड राइट करते हैं तो नोटिफिकेशन, क्विक नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, इस तरीके से आप क्विक एक्सेस यूज़ कर सकते हैं, एज अ गेस्चर इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, 1 MB के अंदर ये एप्लीकेशन भी बहुत ही कमाल की है। तो चलिए बात करते हैं अगले एप्लीकेशन का, तो गाइस उसका नाम है कूल ब्राउजर। और गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एप्लीकेशन भी 1 MB के अंदर है। और गाइज, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्विक एक्सेस मिल जाते हैं। ये एक टाइप का ब्राउजर है जिसमें कि आप कुछ भी इजीली अपने अकॉर्डिंग जो है सर्च कर सकते हैं, और इसकी स्पीड भी बहुत ही कमाल की। और गाइज, यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, लाइक जैसे आप फेसबुक ओपन करना चाहते हैं, यूट्यूब ओपन करना चाहते हैं, तो गाइज आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। आप किसी पर भी क्लिक करके उसे सिंपली एक बार ओपन कर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब ओपन करके दिखा, और गाइज इसकी इंटरनेट भी स्पीड बहुत ही कमाल की है। सो गाइज, यूट्यूब ओपन किया है तो अपने चैनल तो सर्च करना बनता ही है। सो गाइज, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने अपने चैनल ओशन ऑफ टेक को सर्च कर लिया। अगर गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओशन ऑफ टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारी इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। और गाइज, अगर सेटिंग्स की बात करें तो वहां पे आपको हिस्ट्री दिख जाएगी, और फिर बेसिक से सारी सेटिंग्स है जो कि आपको नॉर्मली ब्राउजर्स में मिल जाती है। मल्टीपल टैब आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो गाइज, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक है, हर ब्राउजर में आपको मिल जाती है। सो गाइज, 1 MB के अंदर का ये ब्राउजर भी बहुत ही कमाल का है। सो गाइज, अगर अगले एप्लीकेशन की बात करें तो गाइज इसका नाम है MP3 कटर। सो गाइज, डेली लाइफ में ये एप्लीकेशन भी बहुत ही कमाल की, बिकॉज हम ऐसे बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं जिससे कि हम अपना रिंगटोन सेट करना चाहते हैं, बट गाइज उनका साइज बहुत बड़ा होता है और आप वहाँ पे
कुछ लाइंस जो हो उसे सेट नहीं कर पाते। सो गाइज ये एक MP3 कटर है जिसमें कि आप किसी भी गाने को सेलेक्ट करके उसकी जो लाइनें आपको पसंद आएगी बस उस लाइन को आप कट कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग जो है उसे रिंगटोन पे सेट कर दीजिए। जो भी लिरिक्स आपको अच्छी लगती है, जो भी लाइन उस गाने का अच्छा लगता है, उसे अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ से आप सेट करके कट कर लीजिए। और गाइज सिंपली यहाँ पे कट करने के बाद जो आप जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सो गाइज ऊपर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव कर लीजिए। और फिर गाइज सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा मेक डिफॉल्ट रिंगटोन। सो गाइज आप इसे रिंगटोन बनाना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से जो है इसे रिंगटोन भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसे क्लोज कर दीजिए। और भी गाइज यहाँ पे आपको कुछ एड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि उन्होंने होते हैं, खैर कोई बात नहीं। सो गाइज 1 MB के अंदर ये भी बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। सो गाइज अगर अगले एप्लीकेशन की बात करें तो उसका नाम है स्लिम सोशल। सो गाइज ये एक एप्लीकेशन है जिससे जिसके अंदर कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेसबुक को। और गाइज यहाँ पे इसके अंदर का जो इंटरफेस है सेम टू सेम ऑफिशियल फेसबुक जैसा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। और गाइज यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स भी ऐड किया गया है, लाइक ऊपर आप देख सकते हैं मैसेज पे क्लिक करेंगे तो गाइज आप रैंडमली जो है मैसेज वाले टैब पे चले जाएंगे, अगर टॉप पे अप वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो गाइज आप जहाँ कहीं भी हो सिंपली अप पे आ जाएंगे। और गाइज यहाँ पे आपको मैसेजिंग ऐप भी मिल जाता है, इसके लिए मैसेज भी आप यहीं से किसी को भी कर सकते हैं। सो गाइज 1 MB के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है जिससे कि आप फेसबुक को अपने अमेजिंग वे में यूज़ कर पाएंगे। और गाइज जैसे अप पे मैंने टैप किया डायरेक्टली मैं ऊपर पहुँच गया और होम पे टैप करूँगा तो गाइज मैं होम पे पहुँच जाऊँगा। और फिर सेटिंग्स की बात करें तो सारी सेटिंग्स बेसिक्स ही है। सो गाइज 1 MB के अंदर ये एप्लीकेशन भी मेरे ख्याल से तो बहुत ही कमाल की है। सो गाइज अगर अगले एप्लीकेशन की बात करें तो उसका नाम है सजाम। आई थिंक आप सभी इस एप्लीकेशन के बारे में जानते होंगे। सो गाइज इस एप्लीकेशन का काम क्या है, अगर आपके आसपास कहीं कुछ गाना बज रहा होता है सो गाइज ये एप्लीकेशन जो है उस गाने को लिसन करता है और आपको बता देता है कि ये कौन सा गाना है और आपको सुना भी देता है। सो गाइज सिंपली यहाँ पे आप इसके एग्जांपल को देख लीजिए, मैंने बारिश गाना प्ले किया था और गाइज यहाँ पे इसने रिकॉग्नाइज कर लिया और फिर गाइज गो टू ट्रैक पे मैंने जैसे ही क्लिक किया सो गाइज इसने डायरेक्टली मुझे जो है इस एप्लीकेशन पे भेज दिया। और गाइज यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लिरिक्स भी देखने को मिल जाएगी और गाइज गाना जो प्ले हो रहा था वो तो प्ले हो ही रहा है। तो चलिए एक और गाने को प्ले करके दिखाता हूँ कि ये प्रॉपर वे में वर्क करता है या नहीं है। सो गाइज मैंने बदनाम गाना जो है प्ले कर दिया है और गाइज ये एप्लीकेशन लिसन कर रहा है और कुछ ही सेकंड बाद देखिए कि जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए बदनाम आ गया और मैंने जैसे ही गो टू ट्रैक पर जैसे ही क्लिक किया इसने डायरेक्टली जो है मुझे फेसबुक पर भेज दिया। और गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे वो गाना भी प्ले हो गया और आपको यहाँ पे उसकी लिरिक्स भी देखने को मिल जाएगी। सो गाइज 1 MB के अंदर ये एप्लीकेशन भी बहुत ही कमाल का है अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो। सो गाइज चलिए बात करते हैं अगले एप्लीकेशन की, इसका नाम है ओपन इन व्हाट्सएप। सो गाइज इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, सो गाइज अगर आपको इसकी फुल डिटेल चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, आप किसी भी बंदे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं चाहे आपने उसका नंबर अपने व्हाट्सएप पे सेव किया हो या ना किया हो। सो गाइज बेसिकली करना क्या होता है, आपको बहुत सारे नंबर सेव करने होते हैं, अगर किसी को मैसेज करना तो उसके नंबर को जो है अपने फोन में के कॉन्टैक्ट में सेव करना होता है। एक्चुअली गाइज ये करता क्या है, यहाँ पे बस आपको नंबर एंटर करना है और ओपन पर क्लिक करना, ये डायरेक्टली उस चैट वाले टैब पर आपको रिडायरेक्ट कर देता है। सो गाइज जैसे कि मैं आप यहाँ पर देख लीजिए मैंने नंबर टाइप किया और जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन पर क्लिक करूँगा ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा चाहे मैंने उसका नंबर सेव किया हो या ना किया हो। सो गाइज ये किसी भी तरह का फेक एप्लीकेशन नहीं है, आप सोच रहे हो कि मैं कुछ भी इसमें डाल दूंगा तो ये काम कर जाएगा। सो गाइज यहाँ पे मैं एक रैंडमली एक ऐसा नंबर डाल रहा हूँ जो कि व्हाट्सएप पे नहीं है। सो गाइज यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पे साफ दिखा दिया इसने कि दिस नंबर इज नॉट अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। सो गाइज फेक एप्लीकेशन नहीं है, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। सो चलिए गाइज बात करते हैं अपने आखिरी एप्लीकेशन का जिसका नाम है फेस लाइट। सो गाइज यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है जिसमें कि आप फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप नाइट मोड भी इसमें इनेबल कर सकते हैं और फेसबुक को चला सकते हैं। और गाइज फेसबुक ऑफिशियल ऐप वाला जो सारे फीचर्स है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे बस कुछ अलग तरीके से। और गाइज यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसमें कमाल का फीचर ये है कि गाइज आप जो है इसका जो है एक पॉपअप बन जाता है और आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप कोई मूवी देख रहे हो उस समय आपको रिप्लाई करना हो तो गाइज उस पॉपअप पे क्लिक करके आप मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। सो गाइस कुछ इस प्रकार के थे हमारी ये टॉप 10 एप्लीकेशन जो कि अंदर 1 MB आते हैं। सो गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत।